हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई सी टी बुक्स। आज इस वीडियो में हम आपको एसएससी जेई के रीजनिंग पोर्शन जो 50 नंबर का आता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांच में ये पूछा जाता है, उसके लिए एक नई बुक लॉन्च हुई है उसके बारे में बताएंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। एसएससी जेई 2019 जिसका टारगेट है वो ये बुक परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर अध्यायवार आपको सब्जेक्ट वाइज सभी चीज़ें मिल जाएंगी, क्या चीज़ें हैं, कौन से सॉल्ट पेपर इसमें दिए हैं, प्रैक्टिस बुक दी है, ये सारी चीज़ में आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस बुक को लेखन सहयोग में है। इस बुक का जो प्राइस है वो 395 रुपीज़ है, जो आपको डिस्काउंट्स में अवेलेबल मिल जाएगी। चैप्टर वाइज हैं, टॉपिक वाइज हैं, सॉल्ट पेपर्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगी। ये बुक आपको उपयोगी होगी एसएससी जेई, यूपीपीसीएल, यूपी आर्बिनल, यूपी जल निगम, मेट्रो जेई, डीएमआरसी, एलएमआरसी, एनएमआरसी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ एंड अदर स्टेट के जो जेई और एई एग्ज़ाम होते हैं, और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो रीजनिंग पार्ट होता है उससे सारा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है। इस बुक में विषय सूची में अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो एसएससी जेई का सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद एसएससी जेई 2018 ऑनलाइन रीजनिंग प्रश्न पत्रों का अध्याय चैप्टर वाइज एनालिसिस चार्ट दिया गया है। उसके बाद इसमें एसएससी जेई के जो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी रीजनिंग आपके इसके पहले एग्जाम में पूछे गए हैं उसका विश्लेषण दिया गया है। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं आपका सादृश्य परीक्षण यानी एनालॉजी से, फिर क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, ब्लड डिक्लेरेशन, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंज ऑर्डर, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डाइस, वर्ड फॉर्मेशन, एज प्रॉब्लम, रैंकिंग, सीटिंग, मैट्रिक्स, मिसिंग नंबर, ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इस चैनल के अलावा हमारी गूगल प्ले बुक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वाई सी टी का यूथ कंपटीशन टाइम्स का एप्लीकेशन आता है गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ycitybooks.com पर भी जा सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया है, और डिस्क्रिप्शन नंबर पर आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं कि कितने में आपको बुक पड़ेगी, क्योंकि मार्केट से आपको कुछ ऑफर में ये बुक मिल जाएगी डायरेक्ट परचेजिंग पे। एसएससी जो ऑनलाइन रीजनिंग का जो टॉपिक वाइज एनालिसिस चार्ट है यहाँ पर दिया गया है, जिससे 22 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक जो 6 पेपर हुए थे, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए ये भी इसमें दिखाया गया है। जैसे अब क्लासिफिकेशन से देखते हैं तो 22 जनवरी को मॉर्निंग में 9 क्वेश्चन और इवनिंग में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम वर्ड फॉर्मेशन से देखें तो अगर 25 जनवरी तो एक क्वेश्चन पूछा गया है दोनों चैप्टर में, मॉर्निंग और इवनिंग। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस एग्जाम में और मॉर्निंग या इवनिंग किस में पूछे गए हैं, तो वहाँ से हमें क्या होता है एक एनालिसिस मिल जाएगा और पढ़ने में आसानी हो जाएगी। कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना चाहिए, किस पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, इसकी डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अंदर हम देखते हैं चैप्टर कोई इंडिविजुअली चैप्टर। इसके बाद इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से इसमें क्वेश्चन जो पुटअप किए गए हैं इस बुक में किस किस एग्ज़ाम से लिए गए हैं। तो एसएससी जेई के जितने भी पेपर हुए हैं लगभग इसमें टोटल पेपरों की संख्या जो दी गई है वो 46 दी गई है, और टोटल क्वेश्चनों की संख्या दी गई है 2795 क्वेश्चन की संख्या इसमें दी गई है। टोटल 1125 अदर से लिए गए हैं, और टोटल जो क्वेश्चन है वो 2795 लेकर 2800 क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें किया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो कोई भी इसे प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पाईग्राफ और बार चार्ट दिया है जिससे आप देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सब ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया एनोलॉजी से 405 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लासिफिकेशन 376 क्वेश्चन है, नंबर थर्ड पर अगर देखते हैं तो 178 आया है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज से। तो यहाँ से आपको एक डाटा मिल जाएगी कौन मेजर टॉपिक्स हैं, कौन माइनर टॉपिक्स हैं, कि इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है सादृश्य परीक्षण से। इसमें कुछ टॉपिक्स आपको पहले डिटेल दिए गए हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। देश और उसकी राजधानी दी गई है, देश और नदी दिया गया, देश और खेल दिया गया, देश और राजनीति दी गई है, देश एवं राष्ट्रीय प्रतीक दिया गया है, उत्पाद एवं कच्ची सामग्री दी है, कामगार औजार है, भारत में नदियों के किनारे स्थित शहर हैं, आविष्कार एवं खोजें यहाँ पर दिया गया है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको दी गई हैं। साथ में लास्ट में आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे संख्याओं के वर्ग, संख्याओं के घन भी दिए गए हैं जो आपको हेल्प करते हैं। लैंगिक संबंध भी दिए गए हैं जैसे भतीजा, भतीजी, सेठ, सेठनी। उसके बाद हिंदी पर आधारित क्वेश्चन टाइप फर्स्ट में दिए गए, जो हिंदी पर आधारित क्वेश्चन होते हैं वो आपको दिया गया है। क्वेश्चन जो दिखेगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखेगा। साथ में ये भी बताया गया है कि किस एग्जाम में किस टाइम पूछा गया है। जैसे अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो एसएससी जेई 23 जनवरी 2018 के मॉर्निंग पोर्शन में दिया गया है। क्वेश्चन आपको दोनों में मिल जाएंगे, मतलब पहले इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स। स्क्वायर में 4 होते हैं,
तो आयत में क्या होंगे, पाँच होंगे आपके, हेक्सागोन में 7, रोम्बस में 6 और ट्रायंगल में 3। तो इसका आंसर जो है 3 होगा, क्योंकि ट्रायंगल में 3 होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि जिस प्रकार चार खंड, चार रेखाखंड से, वर्ग चार रेखाखंड से बना होता है, उसी प्रकार त्रिभुज 3 रेखाखंड से बना होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, हिंदी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। और हम अदर कोई इंडिविजुअल उठा लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन चैप्टर जो स्टार्टिंग हुआ है, ये अक्षरों का टाइप 2 है, अक्षरों का अक्षर या अक्षरों का समूह, यहाँ से स्टार्ट किया गया है। इसमें देखिए ये भी दिखाया गया है कि कैसे क्वेश्चन है, फिगर वाइज आपको डिटेल सोल्यूशन दिया गया है। तो आपको अदर कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मोर देन सफिशियंट है, इसे कोई भी एग्जाम में आप निकाल सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो किसी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट हम उठा लेते हैं, जैसे ये हमारा सबसे ज़्यादा इस समय पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है, यूपी तलवे एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। और साथ ही साथ हमने हर चैप्टर के बाद यहाँ पे ये दिया गया है, दे दिए हैं कि एसएससी एवं अन्य राज्य केंद्र के सेंट्रल जूनियर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो इसमें दिया गया है अलग से। टॉपिक्स यहाँ तक हमने दिया है, कैसे क्या करना है प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं। उसके बाद हमने ये यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी हमने प्रीवियस ईयर सिलेबस से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के यहाँ पे अपलोड कर दिया है। जहाँ फिगर की आवश्यकता हुई है वहाँ हमने फिगर भी दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों का ध्यान रखा गया, क्योंकि बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है। जैसे ये क्वेश्चन है एसएससी जेईई सीपीडब्ल्यूडी एमईएस 2012 में पूछा गया है। ये पहले इंग्लिश में क्वेश्चन है, फिर हिंदी में है, फिर आपको ऑप्शन दिए गए, फिर आपको हिंदी में सोल्यूशन दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा बुक है। पहले जैसे हम एक चैप्टर और देख लेते हैं, क्योंकि अब ये यूपी सिलेबस में जरूर पूछेगा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन एवं पूर्ण धारणाएं। पहले यहाँ पर सारी डिटेल दी गई हैं कि क्या पढ़ना है आपको इस बुक में। उसके बाद यहाँ से एसएससी जेईई एवं अन्य अदर स्टेट सेंट्रल जे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो यहाँ पे दिखाया गया है। वही सेम चीज़ें हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन है, ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है टोटल हिंदी में दिया गया है। तो हिंदी स्टूडेंट और इंग्लिश दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जो जो साइट मैंने बताया है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से आप डायरेक्ट ले सकते हैं। 395 की बुक है, ऑफर यहाँ पे 30-40% डिस्काउंट हमेशा चलते रहते हैं, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए ये वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर दें, न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।